बैच को थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करवा देना है। चलिए लाइव हो गए, यस बहुत बढ़िया। तो आज के क्लास बिल्कुल ही बेसिक से होगा, और आवाज आ रही है साउंड, ओके चलिए गुड। बताऊं बच्चे, क्लास बिल्कुल आपका बेसिक से है, और आप जरा सा भी देर ना करेंगे आज का क्लास। ये मत सोचो, देखो हमने आपके लिए ना बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करा है, ताकि आप के अंदर कभी कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, अंदर से आप हीन भावना से न गुजर हो और आप सीख जाओ अंग्रेजी। तो बेसिकली आप जहां भी हो, जहां कहीं भी हो, आपको सीखना है और अब बोलना है। तो इसके लिए करना क्या होगा वो समझिए। करना ये होगा कि जहां कहीं भी आप चल रहे हो, जहां कहीं सोच रहे हो, आपके दिलो दिमाग में अंग्रेजी आना चाहिए। और दिलो दिमाग में कैसे आएगा, तो शुरुआत से शुरू करना होगा। इसलिए हमने आज के से कभी लिखा है और के से खा भी लिखा है, तो क्यों ना हम लोग शुरुआत वहीं से करें जहां से बचपन लोग बच्चे करते हैं। तो मेरे साथ आप सारे बच्चे, जितने लोग हैं सारे बच्चों को शेयर कर दो फटाफट तेजी के साथ। एक बार जल्दी से अपना नाम लिख लो, फटाफट फटाफट सारे बच्चे नाम लिख लीजिए अपना। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लो फटाफट। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक बार मैं ऐप में सब लोगों को देख लेता हूं। जल्दी से अपना नाम बोलो फटाफट, सारे बच्चे अपना नाम जल्दी से फटाफट लिख दो। बैच नंबर सेवन में सारे बच्चे हैं, लाइव क्लास है। थोड़ा सा कमेंट अगर मान लो नहीं चल पा रहा तो कोई बात नहीं, कमेंट की समस्या हो सकती है। अगर कमेंट, यस कमेंट हो रहा है तो लाइव क्लास यहाँ पे चल रहा है सारे बच्चों का, और लाइव क्लास के लिए आप देख पा रहे हो सारे बच्चे, राइट। तो जितने बच्चे ऐप में हैं, जितने बच्चे क्रांतिकार इंग्लिश ऐप में हैं, और जितने बच्चे यूट्यूब पे हैं, सारे बच्चे एक बार अपना नाम लिखो फटाफट। सारे बच्चे एक बार नाम लिखो, यस कम ऑन। आज का क्लास आपके दिमाग को टच करने वाली क्लास है। आपका क्लास, आज का जो क्लास होगा वो आपके दिल को टच करेगा, और आज का क्लास आपके दिमाग को भी खोलेगा, क्योंकि बैच शुरू हो चुका है। अब देर ना करना, क्योंकि अब देर करोगे तो फिर देर हो जाएगा। कल हमने 3-4 प्रॉमिस लिया था, क्या याद है ना, कॉपी कलम लेकर बैठना है। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, हर चीज का जवाब हमने आपको कल दिया था, और आपने वादा किया था कि यस सर आई एम विद यू, कहा था ना आई एम विद यू सर, जैसे आप कहोगे बस सर सिखा दो अंग्रेजी। इसलिए हमने यहाँ पे टाइटल थंबनेल बनाया है कि के से का, एम से मा, एल से ला कमल, यहाँ लिखा कमल। तो हमने आज जो है ना, आज आपके लिए टाइटल भी लिखा कमल, कमल इस तरह से रमन आर ए एम, जापान या जापान जेपीएन, है ना। आप देखो क्या है, ये जापान है या जापान है, ये रमन है आर एम एन, या कमल का अंग्रेजी के एम एल, क्या होगा, ये तो होगा ही होगा। इसके साथ देखो शुरुआत बिल्कुल जीरो से। इस बार हमने एक अलग मेथड अपनाने का प्रयास किया है। इस बार जो मेथड है आपके लिए बिल्कुल अलग मेथड है। इस बार नहीं सीखे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना है। क्योंकि देखो सबसे पहला काम आज आप करो, पहला काम करो कि क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो। कर लिया सारे बच्चों ने, ऐप डाउनलोड कर लिया। उस ऐप में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे ऐप में जाकर के रिव्यू अच्छा कर लेना है, और बैच नंबर 7 ओपन करना है। बैच नंबर 7 में पढ़ने का प्रयास, नाम लिखा सब लोगों ने, एक बार नाम पढ़ लेता हूं फटाफट से। यस गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, डू गुड इवनिंग, आई एम सना खान, ओके सर, आई लव यू सर, लव यू बच्चे, लव यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू बेटा, लव यू, गॉड ब्लेस यू। आई एम प्रीति, यस अनुराग, यस सर, संतोष, ज्योति, ज्योति भी है, संतोष भी है, यस यहाँ पे बच्चे हैं। दिलखुश, अच्छा दिलखुश यहाँ पे है, दिलखुश नाम इतना तेज बढ़ जाता है कि पढ़ नहीं पाता। शंभू कुमार, शिभू कुमार, प्रियंका कुमारी, अंकित कुमार, ठीक है चलिए। तो क्लास आगे बढ़ाता हूँ जल्दी से। तो अंकित कुमार ठीक है, क्लास चला जाएगा से। अब आप लोगों को धीरे धीरे जवाब देना है, धीरे धीरे आप लोगों को बात करते रहना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ काम। देखिए गौर से मेरे साथ बढ़िए, बोर्ड पे नजर अगर टिकी है आपको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं। बोर्ड बिल्कुल व्हाइट लिया हूं, लेकिन बोर्ड को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, कोई
इशू नहीं, बिल्कुल बोर्ड को हमने ब्लू कर दिया ताकि आपको समझ बेहतर आ जाए, ठीक है। ब्लू बोर्ड बिल्कुल ले लिया हमने। अब थोड़ा समझिए मेरे साथ क्या करना चाह रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट देखो बेटा, आप बचपन से पढ़ते हो, बचपन से कुछ मुद्दा समझिए, बचपन से आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भाई, बचपन से पढ़ते हो का, राइट। तो क्या का अंग्रेजी आप खुद बताओ, के का मतलब कब पढ़ा। देखो मैं बड़ा आराम से चल रहा हूं, आराम से, के से का बचपन से पढ़ा या नहीं पढ़ा, बोलो हाँ या ना। सारे बच्चों ने के से क्या पढ़ा ना, आपने पढ़ा होगा म, अंग्रेजी में एम, आपने पढ़ा होगा ल, अंग्रेजी में एल। प्रश्न उठता है कि के से का, एम से म, एल से ल, और इस हिंदी को अगर मैं मिलाता हूं, इस तीनों हिंदी को एक करता हूं तो बन जाता है कमल का फूल, और ये बन जाता है कमल। देखिए गौर से, इन तीनों को एक करता हूं और लिखता हूं तो हो जाता है एक कमल। तो इस कमल को क्या आप कमल पढ़ पाओगे, के से का तो होता है, एम से मा होता है, एल से ला, लेकिन कमल नहीं पढ़ोगे। आपको कोई लिखा मिल जाए तो आप कितने भी अंग्रेजी में ज्ञाता हो या फिर अंग्रेजी में जीरो हो, आप इसको के एम एल ही पढ़ोगे, कमल नहीं पढ़ोगे। आम आई राइट? देखो बेटा मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, कल भी नहीं पढ़ाया था, आज भी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी तो तीन क्लास आपके दिमाग में जाके ब्रश करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। पढ़ाते हैं टीचर, मैं टीचर हूं ही नहीं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, पढ़ाने का प्रयास नहीं करूंगा। इसलिए प्लीज मेरे यहां सीखने के लिए आइएगा, पढ़ने के लिए नहीं। आपके एग्जाम में नंबर अगर कम आता हो तो मेरे साथ जुड़िएगा नंबर बढ़ाने के लिए, आपको कहीं भी समस्या हो उसके लिए जुड़िएगा। तो आप बताइए, के एम एल, ए है कमल, ए कमल, तो क्या है कमल है, तो नहीं सर एक के मेल नहीं होगा, कमल नहीं है। तो आप कहोगे कि आखिर ये जो कमल है, समझना, सिर्फ कमल नहीं, दुनिया के सारे राइटिंग स्किल्स उत्पन्न। देखो जब आप लिखते हो तो आपके स्पेलिंग क्यों गलत होते हैं, कभी आपने कल्पना किया है कि आपके स्पेलिंग गलत क्यों होते हैं, नहीं ना, क्योंकि आपको बेसिक पढ़ाता हूं तो आप वहां ध्यान देते ही नहीं हो। अब बताओ कमल, अब जरा सोचो गौर से कि ऐसा के से क्या तो होता है, एम से मा तो होता है, एल से ला तो होता है, लेकिन कमल के लिए के एम एल नहीं होता, तो होता क्या है सर, तो के एम एल तो होता है लेकिन बीच में ए लगाते हैं तब एक कमल हो गया, कहेगा सर कमाल हो गया, तो कमाल पढ़ूं कि कमल पढ़ूं, ये समस्या है ना। अब देखो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसकी चर्चा करते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप मुझे लिख कर बताइए हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं, हिंदी में लेटर्स की संख्या कितना, लिख कर जवाब दीजिए आप लोग। हिंदी में कितने पढ़ते हो लेटर्स, और अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में कितने लेटर्स और हिंदी में कितने, लिख कर जवाब दीजिए सारे लोग। हिंदी है, इंग्लिश में कितने लेटर्स, यस हिंदी में कितने लेटर्स, लिख के दो। काजल, काजल, नीता, मोनी कुमारी, 52, 26, 52, 26, 62 कुछ बच्चे 62 कह रहे हैं भाई, अच्छा 26, 32, 32 किस में, इंग्लिश में, हिंदी में 52, 52, 26, 26, 26, 53, 44, 44, अच्छा अंकित कुमार 52, 26, ओके। सिंघम कह रहा नहीं, संजीवन कह रहे हैं 46, 46, अच्छा इसका मतलब है कि हिंदी सबका कमजोर है, हिंदी जो है सबका कमजोर है भाई, हिंदी सारे बच्चों का कमजोर है, इसका मतलब हिंदी सारे बच्चों का कमजोर है और अंग्रेजी सबका स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब हिंदी में कितने होते हैं 52 और अंग्रेजी में कितने होते हैं 26। आपको मैथ तो आता होगा ना, फटाफट देखो तो दोनों का आधा है कि नहीं, 26, 26 तुजा 52, 26 दुना 52, तो बोलो दो हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि हिंदी का एक लेटर और अंग्रेजी का दो लेटर, कितना बढ़िया मेथड दे रहा हूं, हिंदी का एक लेटर अंग्रेजी का दो लेटर बराबर होगा। मजा रहा कि नहीं मजा, हिंदी का एक लेटर और अंग्रेजी का दो लेटर बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि आप बोलते हो का अंग्रेजी के, तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि का नहीं का,
अब इसका के होता है, यानी के का मतलब आधा क। अब समझ आया क्यों? क्योंकि 26 से 52 इन दोनों को तुलना करने के लिए, क्योंकि आप हिंदी को अंग्रेजी में लिखना चाहते हो। मेरे दोस्त बड़े बारीकी से पढ़ा रहा हूं, जड़ समझ में आ जाएगा तो अंग्रेजी आसान। अब तक आपको टफ लगता है, आज की क्लास आपने कहा था ना कि सर वैसा बैच स्टार्ट करो जो बिल्कुल जीरो हो, काखा गगा से हो, एबीसीडी से हो। हमने अभी बबले एबीसीडी भी नहीं पढ़ाया, अभी एबीसीडी से भी नीचे हूं। एबीसीडी तो दूर की बात है, एबीसीडी पे आऊंगा, लेकिन अभी मैं एबीसीडी से भी नीचे 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 हूं। समझ आ रहा बात को? तो अब समझो गौर से। तो हमने कहा कि 52 और 26, तो जस्ट हाफ। तो के का मतलब क नहीं, यानी क का के नहीं, के से क का मतलब आधा क। कहां मिलेगा? मार्केट के किताब में नहीं मिलेगा, उसे काट देना। आपको मिलेगा डीएसएल के किताब में। कहां मिलेगा? डीएसएल के बुक्स में मिलेगा भाई साहब, ये सारा चीज मिलेगा डीएसएल के बुक्स में, कहीं नहीं मिलेगा।